हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए स्कूल मैनेजमेंट की टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी 12 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 13 नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। ठीक है, तो अगर आपने पिछली अगर क्लास से नहीं देखी है तो वो जरूर देख लें और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, राजस्थान में शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्थाओं की सूचना गलत है। राजस्थान में शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन से संबंधित संस्थाओं की सूचना गलत है, इनमें से कौन सी सूचना है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन देखो, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्था 2, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय 8, खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान 2, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 400। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से दोस्तों इसमें मन में सोच लो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका इनमें से जो सूचना गलत है वो है दोस्तों शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान 400, डी नंबर का ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख घटक नहीं है। तो कौन सा घटक नहीं है दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है इनमें से। चार ऑप्शन है इसमें देखो, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षक शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, शैक्षिक शिक्षा संस्थान, शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तीन नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि RSCERT उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है। RSCERT उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, इसमें देखो, निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, उपनिदेशक या संयुक्त निदेशक। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है निदेशक, ए नंबर का ऑप्शन है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, RSCERT या CERT उदयपुर से संबंधित नहीं है। RSCERT या CERT उदयपुर से संबंधित नहीं है, तो इनमें से दोस्तों कौन सा एक संबंधित नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। देखो, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 उदयपुर में की गई। दूसरा ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राजकीय संस्था। तीसरा है प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की अनुशंसा से। चौथा है 14 अगस्त 2018 को RSCERT का नामांकन। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राजकीय संस्था, ये दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन। तो देखो, राजस्थान में प्रोफेसर RC मेहरोत्रा समिति की अभिशंसा अनुसार राज्य शिक्षा संस्थान यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन SIE की जगह 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में CERT की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, इसमें यह संस्थान निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के शैक्षिक अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, CERT प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है। जनवरी 2002 से यह संस्थालय निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहा है। ठीक है, 14 अगस्त 2008 को SIERT यानी कि CERT का पुनर्गठन कर इसका नया नाम RSCERT कर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही में इसे स्वायत्त शासी संस्था का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, पांच नंबर प्रश्न है, इसमें देखो, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के
कौन से विभाग द्वारा कैरियर डे का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों कौन से विभाग द्वारा कैरियर डे का आयोजन किया जाता है? चार ऑप्शन आपके पास में है, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, विज्ञान एवं गणित विभाग, मनोविज्ञान आधार एवं व्यावसायिक निर्देशन विभाग, चौथा है शिक्षक शिक्षा विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग। तो ये आपके पास में चार ऑप्शन है, क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी से दोस्तों मन में सोच लो। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा या प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के कौन से विभाग द्वारा कैरियर डे का आयोजन किया जाता है? तो कैरियर डे का आयोजन है वो कौन करता है? तो वो है मनोविज्ञान आधार एवं व्यावसायिक निर्देशन विभाग, ये करता है दोस्तों कैरियर डे का आयोजन। ठीक है, यह विभाग दोस्तों, इस विभाग की स्थापना है ये 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में बीकानेर में प्रारंभ हुआ था, जो बाद में SIERT का एक विभाग बनाया गया। इसके द्वारा 1998 से राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 12 जनवरी से कैरियर डे मनाना प्रारंभ किया गया था। कब से प्रारंभ किया गया था कैरियर डे मनाना? 12 जनवरी से, याद रखना 12 जनवरी से मनाना प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में। इसमें देखो, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख कार्य है, तो दोस्तों इसका प्रमुख कार्य है वो क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास में है, अकादमी निर्देशन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण या उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके कार्य और भी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो प्रमुख कार्य है वो क्या क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा तथा पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना, दूसरा है इसमें सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का निर्माण तथा अधिगम सामग्री निर्माण करना, तीसरा है सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रम आयोजित करवाना, ठीक है, शोध एवं सर्वेक्षण करना, ठीक है, प्रसार कार्यक्रम जैसे विज्ञान मेला, जीवन कौशल मेला, कैरियर डे, विज्ञान सेमिनार आदि, ये दोस्तों इसके प्रमुख कार्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तो सबको पता होना चाहिए, विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो RSCERT या सीरेट में 9 विभाग हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? RSCERT या सीरेट में 9 विभाग हैं, उनमें से कौन सा विभाग इसमें नहीं है? दोस्तों मैं 9 के 9 विभाग का आपको नाम बताऊंगा, ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग, ये दोस्तों RSCERT या सीरेट में 9 विभाग हैं, उनमें से ये नहीं है सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग। कौन कौन से हैं वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखो, पहला है मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, दूसरा है विज्ञान एवं गणित विभाग, तीसरा है मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, चौथा है शिक्षक शिक्षा विभाग, पाँचवा है शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन विभाग, छठा है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग 6 नंबर, 7 नंबर है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा विभाग, 8वां है अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा विभाग और 9वां है शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन विभाग। ये 9 विभाग हैं, तो उनमें से सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग ये नहीं है, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के कौन से विभाग द्वारा जीवन कौशल विकास बाल मेला का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि विज्ञान मेला, जीवन मेला, कैरियर डे, विज्ञान सेमिनार, इसका जो
आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास में है, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, विज्ञान एवं गणित विभाग, मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक निर्देशन विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं गणित विभाग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। तो चलो इसके अंदर 10 नंबर प्रश्न, इसमें देखो डी ई आई ई डी बी एस टी सी का पाठ्यक्रम निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसके पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया जाता है? चारों ऑप्शन आपके पास में है दोस्तों, जल्दी से इनको पढ़ लो, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सीरेट या आरएससीईआरटी द्वारा, आरएससीईआरटी द्वारा। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो राष्ट्रीय स्तर की वह संस्था कौन सी है जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा पूर्व या प्रशिक्षण प्रदान करती है? राष्ट्रीय स्तर की वह संस्था कौन सी है जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा पूर्व या सेवा पूर्व का प्रशिक्षण प्रदान करती है? चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से दोस्तों इनको देख लो, क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है आरआईई, आरआईई है ये दोस्तों प्रशिक्षण प्रदान करती है शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा पूर्व का प्रशिक्षण प्रदान करती है। ठीक है, आरआईई याद रखना, सी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, यानी कि माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों, ठीक है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान यानी कि आरईआई, ये आपको याद रखना है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान आरआईई। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं, उनमें से एक में बहुउद्देशीय प्रदर्शन विद्यालय नहीं है, वह कौन सा है? तो दोस्तों बहुउद्देशीय प्रदर्शन विद्यालय है वो कौन सा नहीं है, ये अपने को इसमें बताना है। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है शिलोंग, बी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो भारत में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? भारत में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय या महाविद्यालयों की स्थापना है ये कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चार ऑप्शन आपके पास में है, जल्दी से दोस्तों देख लो इनको, जुलाई 1963, मार्च 1963, सितंबर 1961, जनवरी 1961। भारत में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जुलाई 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत सरकार ने बहुउद्देशीय विद्यालयों में या विद्यालयों के शिक्षकों व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NCERT के 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1995 से इन्हें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, और इसी समय 5वें RIE की स्थापना शिलोंग मेघालय में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो गोवा राज्य कौन से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत आता है? गोवा राज्य कौन से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भोपाल के अंतर्गत है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का मुख्य कौन होता है? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का मुख्य कौन होता है? तो दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा प्राचार्य, ए नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में 4 विभाग होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में 4 विभाग होते हैं, उनमें से कौन सा एक विभाग नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इनमें से कौन सा विभाग नहीं है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मनोविज्ञान विभाग। ये दोस्तों क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का विभाग नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखो कौन कौन से हैं इस शिक्षा विभाग, एक तो ये हो गया गणित एवं विज्ञान विभाग, दो विस्तार शिक्षा विभाग, ठीक है, तीन और चौथा है इसमें सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, ठीक है। ये चार विभाग हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत, ठीक है, मनोविज्ञान इसके अंदर नहीं आता दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो समस्त क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। समस्त क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान किसके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास में है, जल्दी से इसका उत्तर देख लो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NCERT, ठीक है। बी नंबर का जो ऑप्शन है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का प्रमुख कार्य नहीं है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का जो प्रमुख कार्य नहीं है वो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखो प्रशिक्षण, शोध कार्य, विस्तार सेवा, पाठ्यक्रम निर्माण, क्या कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों। RIES का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पाठ्यक्रम निर्माण, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो RIES अजमेर में कक्षा 1 से 12 तक का एक विद्यालय स्थापित किया गया है उसे जाना जाता है, तो उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है वो अपने को इसमें बताना है। दो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, DPS और DMS, ठीक है, इनमें से ही है इसका एक राइट आंसर। दो ऑप्शन बाकी नीचे हैं, आप तो इसी में से बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा DMS, और DMS की जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों आपको कमेंट में बतानी है DMS की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो IASE का पूरा नाम क्या है, IASE का जो पूरा नाम है वो क्या है। चार ऑप्शन दोस्तों आपके पास में है, जल्दी से देख लो दोस्तों उत्तर क्या होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, ठीक है, क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, ये नाम है दोस्तों इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने जो टॉपिक था 13 नंबर का, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक का नाम था भारत की प्रमुख शैक्षिक एजेंसियां, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्य आर्यस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, पास में दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।